जो है विपरीत है, श्री जगत तरह से भी अपराधी प्रवृत्ति के विपरीत कुछ है उसका, तो उसको तत्काल पकड़ के पुलिस के हवाले करें, नहीं तो हम लोग पकड़ के अपने पास में उसको पुलिस को सूचना दें। पूरे गाजियाबाद जनपद में सबसे बड़ा शिवरात्रि का त्यौहार किसी मंदिर पे मनाया जाता है और यहाँ पे काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस संबंध में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है, 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिस और इसके अलावा सादे कपड़े में पुलिस बल को भी यहाँ तैनात किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कुछ रूट डायवर्जन प्लान किए गए हैं जो कि आज शाम से ही लागू हो जाएंगे। यहाँ जो आयोजक हैं उन लोगों से समन्वय बैठक कर ली गई है और आयोजकों की तरफ से भी स्वयंसेवक यहाँ पे लगे रहेंगे और पुलिस से समन्वय स्थापित करके हमें उम्मीद है कि इस त्यौहार को सकुशल हम सम्पन्न करें। और तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, शिवरात्रि को लेकर शासन प्रशासन ने किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद गाजियाबाद के दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, जो कि काफी प्रतिष्ठित मंदिर है और इस मंदिर में सैकड़ों की भीड़ लगती है शिवरात्रि के दौरान, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कल शिवरात्रि है जिसका त्यौहार पूरे ही धूमधाम से पूरे दुनिया एशिया समेत पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर जिले के खुद एसपी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कुछ तैयारियों का जायजा लिया है और मंदिर में कुछ कैमरे भी लगाए गए, यहां तक कि ड्रोन से भी हर तरीके से ये मान लीजिए कि मॉनिटरिंग की जाएगी और एक हवालात भी बनाया गया है वहां पे, यदि कोई संदिग्ध वहां पहुंचता है तो उसको जल्द ही हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ सुनने पर जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।